Yes, my name is Dr. Amit and I welcome you all to this beautiful YouTube channel, MedPrepji. Guys, I started my medical career in 2009 and when I got selected for MBBS in 2009 and I got All India rank 500 in MBBS pre-medical test exam. So then after completion of MBBS, I got selected for MS in general surgery, and then after completion of that, I got selected in NCH neurosurgery at AIIMS Bhubaneswar, and I got 14th rank in super specialty exam. So guys, important thing is, which comes to the mind is, how to maintain the continuity for these long years. So मेडिकल फील्ड गाइस उन्हीं लोगों के लिए है जो हमेशा कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है, क्योंकि एक बहुत लंबा टाइम है. फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एमबीबीएस टू बिकम ए सुपर स्पेशलिस्ट, इट टेक्स अराउंड 14-15 ईयर्स. मुझे 12th ईयर है और अभी मैं 3rd ईयर में हूँ एमसीएच के, और बिकॉज मेरा कोई ड्रॉप नहीं हुआ बीच में, दैट्स व्हाई आई गॉट इन 12th ईयर ओनली. बट जनरली एवरेज, ऑन एन एवरेज, इट टेक्स अराउंड 15th ईयर after entry into the medical college to the completion of your super specialty. On an average 15 saal lagta hai. So 15 saal tak continuity maintain karna aasan nahi hota, to but agar step by step agar aap cheezon ko sochte jaye to cheeze aasan ho jati hai. To important thing to yahi hai, sabse important cheez ki aapko lambe time tak continuity maintain karni hai, aur lambe time tak aapko hard work karte rehna hai, aur hamesha apne दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देने. लाइक एंजाइटी होती है बहुत बार कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आप कितना कर पाओगे, कहाँ तक जा पाओगे और कैसे डॉक्टर बन पाओगे, हमेशा ये एंजाइटी तो रहती है, अभी भी मेरे साथ भी होता है. बट उन सारी एंजाइटी को दूर करने के लिए आप हमेशा एक पॉजिटिव वे में सोचिए और उस हैप्पीनेस के बारे में सोचिए जो हैप्पीनेस आपको मिलती है आपके सिलेक्शन होने के बाद, आपका सर्जरी कंप्लीट होने के बाद, या आपका जो ड्रीम ब्रांच है, जो आपकी ड्रीम ब्रांच, जो आपने हमेशा सोचा था कि मैं इस चीज़ का डॉक्टर बनूंगा, उस ड्रीम ब्रांच पर जब आप जाते हैं और उस एनवायरनमेंट को फील करते हैं जिसके बारे में आप हमेशा ड्रीम करते थे, तो इट विल गिव यू ए लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी. सो ये पॉजिटिव एनर्जी ऐसी है जो हैप्पीनेस आपको मिलती है, अगर उस हैप्पीनेस को आप उसी टाइम सोचेंगे जब आप प्रिपरेशन करते हैं कि हाँ, अगर मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ तो मैं इतना ज़्यादा हैप्पी रहूँगा, ये मैं कर सकता हूँ और मेरी लाइफ की जो ड्रीम है वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो आई थिंक इट विल ड्राइव यू मोर टू परफॉर्म द हार्ड वर्क, और ये आपकी सारी एंजाइटीज़ को दूर कर देगा. तो माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू इज टू थिंक इन द पॉजिटिव वे ओनली. बहुत ही लॉन्ग जर्नी है और कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखना मुश्किल है, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने हैं, बट इन सब चीज़ों से लड़कर और इन सब चीज़ों को पार करके जब आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, तो आई थिंक दैट विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. सो थैंक यू ऑल गाइस. आई ऑल्सो हैव अ यूट्यूब चैनल विद माई नेम डॉक्टर आमिर, सो यू कैन सर्च मी देयर ऑल्सो. थैंक यू वेरी मच.